पंडित जी हमें ये बताएं कि कुंडली में बैठा मंगल किसी की संपत्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए? देखो ऐसा है, मंगल जो है ये संपन्नता का कारक ग्रह है, लेकिन अगर ये मंगल निर्बल दुर्बल हो जाए तो ये निर्धनता का भी कारण बन जाता है। संपत्ति का विवाद है या संपत्ति के मामले में आपको धोखे मिलते हैं या मकान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह भी प्रभावित होगा। वैसे एक बात और कहना चाहूँगा, बृहस्पति भी अगर चतुर्थ भाव का स्वामी हो और चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसे लोगों को भी घर का सुख अपने नाम से नहीं मिल पाता। घर लेंगे जरूर लेकिन बिक जाएगा, घर लेंगे जरूर लेकिन उसमें कोई न कोई कानूनी पचड़ेबाजी फंस जाएगी। इसलिए जिनकी कुंडली में मंगल स्वगृही होकर चतुर्थ भाव में हो उन्हें भी अपने नाम से घर लेने से बचना चाहिए, अपने परिवार के लोगों के नाम से घर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपका सिर्फ मंगल खराब है, बाकी ग्रह गोचर ठीक है, चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है और घर से संबंधित समस्याएं आपके सामने हो रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप 40 दिनों तक प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके और उसके बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आपको मंदिर, शिव मंदिर जाना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए और जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ये उपाय अगर नव मंगलवार कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को सूर्योदय के समय तांबे की धातु का बना हुआ शुद्ध मंगल यंत्र अपने घर की दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककोत्पत्ति पृथिव्या अयम अपागुंग रेता गुंग सिजिनवती, इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए 1000 बार 1000 मसूर के दाने मंगल यंत्र पर डालना चाहिए और बाद में वो जो मसूर के दाने हैं उसे इकट्ठा करके भिगो करके किसी गाय को खिला देना चाहिए और मंगल यंत्र को अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए और जो लोग नित्य हनुमान जी की उपासना करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करते हैं, उनका तो मंगल कभी अमंगल कर ही नहीं सकता है। मंगल को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है हनुमत उपासना। हनुमान जी की उपासना से ये सभी जितनी भी आठव सिद्धि नवव निधि जो भी है सबके स्वामी हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की उपासना से मंगल और शनि दोनों ग्रहों का बुरा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। मंगलवार को मसूर की दाल एक मुट्ठी नदी में प्रवाहित करना चाहिए और मंगलवार को गुड़ की पूड़ियाँ बना करके गाय या चींटियों को खिलाना चाहिए। और हाँ, अगर मंगल आपका दुर्बल निर्बल है तो गले में स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का एक झंडा हनुमान मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं, उसके बीच में केसरिया रंग से ओम जरूर लिख दें। जय माँ विंध्यवासिनी।